क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो जीवन बदलने की ताकत रखता है। देश में कई ऐसे फेमस क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। रास्ते में ढेर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हीं होनहार खिलाड़ियों में से एक दमोह शहर के पठानी मोहल्ले के रहने वाले दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी अब्दुल शहजाद हैं, जिनका चयन मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम में होने से पूरे शहर में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब्दुल शहजाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। गरीब परिवार से होने के बावजूद अब्दुल ने हार नहीं मानी। पिता अब्दुल सगीर पेशे से टेलर हैं, वहीं माँ बच्चों को घर में ट्यूशन देती हैं, जबकि अब्दुल दिव्यांग होने के बावजूद मोबाइल फोन रिपेयरिंग दुकान पर काम करते हैं। अब्दुल शहजाद उस परिवार से आते हैं जिनके सिर पर पक्की छत भी नहीं थी। ये आशियाना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। पहला मौका मिला था ग्वालियर के इंटर स्टेट टूर्नामेंट में, जहां मुझे तीसरे मैच में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां मेरा परफॉर्मेंस रहा था एक ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेना। वहां से मुझे और आगे नेशनल भी मौका मिलना स्टार्ट हुआ। जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, जो शनिवार को 19 तारीख को जो नेशनल टूर्नामेंट के लिए ओपन ट्रायल हुआ था ग्वालियर में ही, उसका ट्रायल अमित शर्मा जो हमारे MP के पूर्व रणजी प्लेयर हैं, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था। मैं लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश टीम के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। जो एक होता है ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली होता है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में माँ बाप और छोटे भाई बहन हैं दो, जिसमें से पापा मेरे टीलर हैं, जो यहीं पास के कारखाने गंगा गंगा में काम करते हैं, और काफ़ी 2-3 महीने से उनका भी बंद चल जाएगा। और परिस्थिति ऐसी है कि बस स्ट्रगल करते जा रहे हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग में। मोबाइल रिपेयरिंग थोड़ा बहुत काम सीख रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत बन जाता है। यहाँ पर पार्ट टाइम काम करता हूँ, और इसके अलावा मैं मतलब 5 से 6 घंटे क्रिकेट के लिए ग्राउंड पे देता हूँ, और यहाँ से 4 से 4-5 घंटे इस दुकान पे देता हूँ। लड़के का बड़ा अब्दुल शहजाद का क्रिकेट में मध्य प्रदेश में चैनल हुआ फास्ट बॉलर के रूप में। हम लोग को ये बहुत खुशी की बात है। हम तो गरीब परिवार से हैं, सिलाई का काम करते हैं, हमारी मिसेज भी कोचिंग देती है बच्चों को। इस तरह से परिवार चल रहा है। लड़का विकलांग भी है, और अगर यहाँ तक वो पहुँचा है तो ये तो बहुत ईश्वर की देन है हम लोग की नज़र में। मैं अपने बच्चों को घर में मदरसा लगाती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसी में कुछ गुजारा चलता है। और हमारे शोहर सिलाई का काम करते हैं, उसमें भी 1000-1500 की काम कर पाते हैं। सर, हम अब्दुल शहजाद नाम है हमारे उस दिव्यांग क्रिकेटर का, जो हमारे पास 1.5 साल पहले आया था। तो 1.5 साल पहले जब वो आया था तो उसने कहा भैया हमको क्रिकेट खेलना है। तो हमने कहा यार दिव्यांग का क्रिकेट अलग से होता है, अलग ही प्रैक्टिस हमने उसको साथ में कराई, और उसके साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि वो उसको लेके हमने मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कराई, जबकि हमारा मॉर्निंग में कैंप नहीं रहता है। तो मॉर्निंग में भी हमने उसको प्रैक्टिस कराई, और उसने भी बहुत मेहनत करी, है ना। थोड़ा बहुत तैयार था वो, बाकी मेहनत हम लोगों ने करी सब ने, हमने और हमारे राजा है, हम दोनों ने साथ में उसके साथ काफ़ी काम किया, और वो MP टीम में सेलेक्ट हुआ। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 52 जिलों से लड़के आते हैं ट्रायल देने MP की टीम में, तो वहाँ जगह बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है।